కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి లవ్ అగర్వాల్ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. ఎఫి హోని చాహియే రేడియాలజీ టెస్ట్ ఆర్ బ్లడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కా కోవిడ్ 19 మే క్యా రూల్ హై ఇస్ తరహ కే విషయో పర్ డిటైల్ చర్చా కీ జాయేగీ తాకి హమారే దేశ్ కీ మెడికల్ కమ్యూనిటీ కో హమ్ ఇస్ బారే మే ఎక్స్ప్లెయిన్ కర్ సకే. హమ్ ఆప్కే ద్వారా సభీ సే వింతీ కరేంగే कि यह जितनी रिसोर्सेज हैं यह एम्स की वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, जो कि एम्स जिसका जिक्र हमने आपके सामने किया है वह वीडियोस के रूप में अवेलेबल हैं, वह यूट्यूब चैनल के रूप में अवेलेबल हैं. जरूरी आज यह है कि हम किसी भ्रांति में, किसी पैनिक सिचुएशन में या मिस इन्फॉर्मेशन से भयभीत ना हो. हमें जरूरी है कि हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिल जाए तो हम उसको फॉलो करते हुए इस कोविड जैसी बीमारी से कैसे बचा जाए उसके लिए रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट ले सकें. आज इससे पहले भी हमने कई बार चर्चा की है, कोविड के मैनेजमेंट में यह एक समग्र सरकार और संपूर्ण समाज द्वारा किया जाने वाला कार्य है और इसके लिए जरूरी है कि एक स्थाई पर हम संक्रमण के प्रसार को रोकें. वह हमारा मूल कारण है और इसको कंट्रोल जब तक हम नहीं कर पाएंगे तब तक स्वास्थ्य सेवा का वह बुनियादी ढांचा, यह जो आवश्यक लॉजिस्टिक्स चाहिए, उन पर हमेशा स्ट्रेस बना रहेगा. तो जिस तरह से एक तरफ सरकार की स्थाई पर सप्लाई साइड यानी कि आपूर्ति पक्ष पर काम हो रहा है, जरूरी है कि हम डिमांड साइड यानी कि मांग पक्ष पर भी, उसके मैनेजमेंट पर भी उससे अधिक कार्य करें. यह बहुत जरूरी है. हमारे लिए जरूरी है कि कलेक्टिवली हम सब लोग मिलकर ट्रांसमिशन की श्रृंखला को तोड़ने पर जरूरी रिक्वायर्ड कार्य करें. और जैसे कि हमने इससे पहले भी आपके सबसे रिक्वेस्ट की है कि जो हमारे प्रदेश, जो हमारे स्टेट्स या जिले जहां पर अभी संक्रमण कम है, हम वहां पर कंटेनमेंट पर अपना फोकस बनाए रखें ताकि वहां पर इन्फेक्शन ज्यादा ना फैले. और जो वो एरिया है जहां पर कि या तो हाइयर सर्ज नोट किया जा रहा है, ज्यादा केसेस नोट किए जा रहे हैं या हाई केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है, वहां पर जरूरी है कि हम इंटेंसिव एक्शन और लोकल कंटेनमेंट पर उसी मोमेंटम से काम करें ताकि हम इन्फेक्शन का फैलाव रोक सकें. आज जरूरी है कि जिस तरह से पिछले एक साल से हम लोग काम करते आ रहे हैं वह मिशन मोड कंटिन्यूड रहे. जरूरी है कि हमारे इन एफर्ट्स में जन भागीदारी, जन आंदोलन, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते आए हैं, हम उस मोमेंटम को बनाए रखें. जन भागीदारी, जन सपोर्ट से हम इंश्योर करें कि हमारा ट्रांसमिशन और जो ट्रांसमिशन की श्रृंखला है उसके लिए रिक्वायर्ड एक्शन किया जाए. जरूरी है कि अपनी मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ काम करते हुए उचित क्लिनिकल प्रबंधन पर काम करें. हमारा सारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के मुताबिक हो. उसके साथ ही जरूरी है कि हम जो हमने आइडेंटिफाइड प्रायोरिटी एज ग्रुप लिए हैं उनका 100% टीकाकरण हो. चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने में सबसे अधिक सपोर्ट हमारे लिए जरूरी है कि हम कोविड सेफ बिहेवियर, कोविड उचित व्यवहार का पालन करें. वह हमारे लिए इतना जरूरी है कि जैसे हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यह हमारे एक सोशल वैक्सीन के रूप में काम करेगा और जिसके अंतर्गत हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं मास्क का उपयोग, दो गज की दूरी और सैनिटाइजेशन कैसे किया जाए, हैंड एज वेल एज रेस्पिरेटरी हाइजीन कैसे मैनेज किया जाए, मेंटेन किया जाए, उस पर काम करें. जरूरी है कि हम एक स्थाई पर वैक्सीनेशन का प्रयोग करें, एक स्थाई पर हम क्लिनिकल प्रोटोकॉल पर काम करें, बट कड़ाई इन टर्म्स ऑफ एंश्योरिंग कि इन्फेक्शन ना फैले, नहीं तो हमारा हेल्थ सिस्टम कंटिन्यूड स्ट्रेन में रहेगा. हम उस पर भी कार्य करते रहें, इसकी भी अत्यधिक आवश्यकता है. धन्यवाद. प्रोफेसर विजय राघवन जी, धन्यवाद. शुरू करने से पहले मैं दो मुद्दों पर स्ट्रेस करना चाहता हूं. फर्स्ट, दिस इज अ वेरी क्रिटिकल टाइम इन आर कंट्री एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू वर्क टुगेदर एंड इंश्योर दैट वी इंडिया एंड द वर्ल्ड गेट आउट ऑफ दिस पैंडेमिक. सेकेंड, it's important that we understand that there are about four factors at play here. The first and most immediate is doing everything we can now and doing it together to help those who are currently impacted. It is gut-wrenching for all of us to see what is happening, and we must continue to strengthen all healthcare workers, frontline workers, patients and their families, those ensuring supply chains function, and make sure that we overcome this huge surge. Now that's the first point. Now let us work together to attend to the present. And the next three issues which I'm going to talk about are about bringing down the wave, dealing with future ones. The three points are: what can we do, what does the virus do,
and what do vaccines do. What we can and should do is simply stated, but not easy to implement, as we have seen. Yet the best time for us to change our behavior is now. What we at every level, from individuals, families, communities, local government, state government, central government, need to do is to maximally and effectively maintain distance and follow COVID-appropriate behavior. This is critically important. Distancing can exponentially bring down the spread. The virus can only go from human to human. In each context, therefore, we need to follow COVID-appropriate behavior that is most effective and tailor it to that context. Now, I'll be principally giving an overview on the other points. What does the virus do and what vaccines and science can do in that context? I will briefly summarize how SARS coronavirus 2 variants emerge and what they mean for us and what they mean for us going ahead. Dr. Sujit Singh, Director NCDC, and Dr. Renu Swarup, Secretary Department of Biotechnology, will elaborate on the variants under investigation and of concern in India. Let me just summarize the key conclusions before I go on.